आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका चाहने वाला तड़फ कर आपकी तरफ भाग कर आएगा। आज मैं कह रहा हूं आपके अपने लव लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आज मैं कह रहा हूं कि यदि आपके अपने प्यार में, आपके संबंधों में, आपके रिलेशंस में तकलीफ है तो आज के आज 5 मिनट में ठीक किया जा सकता है। आपको इसके लिए कुछ बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सुई चाहिए और एक कोई भी ऋतु फल चाहिए। कोई भी ऋतु फल, ऋतु फल का मतलब होता है जो भी आप फल अवेलेबल हो इजिली आपके आसपास। सब कुछ बिखर चुका था पर मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो आइए और जुड़ जाइए आचार्य श्री सतीश अवस्थी जी, सिद्ध ज्योतिष गुरु, विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव्विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, लव्विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भरने के लिए, लव्विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हें तुमसे मिलवाने के लिए, लव्विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लव्विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ, तुम्हारा शादीशुदा जीवन और अच्छा करने के लिए काम करती है। आपको जो भी संबंध है, आपका पार्टनर आपके बगैर रह नहीं पाएगा, आपका पति, आपकी पत्नी आपके बगैर एक पल रहने के लिए भी राजी नहीं होगी, वो विवश हो जाएगा आपके चरणों में गिरने के लिए। ये सुई इस प्रकार से इस फल के अंदर लगा दीजिए, बस इतना करने मात्र से वो तड़फ उठेगा आपकी याद में। आपकी अच्छाइयां, आपके खुशनुमा पल, आपके साथ बिताई हुई वो अच्छी चीजें उसके जहन में कौंध उठेंगी, मानो बिजली की तरह वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी यादों में बेचैन होगा। आपका पार्टनर सर्वदा सदा के लिए, हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके संबंधों में एक नई क्रांति आ जाएगी। लव्विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 200 सालों से लगातार निरंतर 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हमारे यहाँ का परसेंटेज सक्सेस रेट 95% है। हम रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा करते हैं। हमारे यहाँ 4000 लोगों की बड़ी टीम रिसर्च करके आपके साथ काम कर रही है। पिछले 200 सालों से निरंतर आपकी व्यवस्थाओं का सूत्रपात किया जा रहा है। यहाँ केवल और केवल शादी के पहले और शादी के बाद की समस्याओं का समाधान होता है। आपको वो सोल्यूशन बताया जाता है जिससे घर बैठे तुम अपने संबंध को, अपने रिलेशन को, अपने वैवाहिक जीवन को, शादीशुदा लाइफ को, अपने रिलेशनशिप लाइफ को, अपनी पर्सनल लव लाइफ को पूरी तरह से ठीक कर पाओ। रिलेशनशिप तुम्हारा, लव लाइफ तुम्हारा, पार्टनरशिप तुम्हारी, व्यवस्थाएं तुम्हारी, ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी। आज मैं कह रहा हूं किसी भी फ्रूट में ये सुई इस प्रकार से लगा दीजिए, बस उसके बाद आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कटुता नहीं रहेगी, किसी प्रकार का झगड़ा, फसाद सब समाप्त हो जाएगा। जीवन बहुत मूल्यवान है, जीवन में हर चीज की आवश्यकता है, उसके साथ साथ जरूरत है आपके अपनी सहज होने की। जब आप डिप्रेशन में होते हो, परेशान होते हो, उदास होते हो, निराश होते हो, हताश होते हो और बहुत विह्वल होते हो, तो आप कहीं ना कहीं प्यार से अछूते हो और प्यार से दूर हो, तभी यह हालत होती है। सच्चे प्यार की सबसे पहली पहचान है कि तुम बेचैन हो उठते हो उसके बिना। सच्चे प्यार की सबसे बड़ी पहचान है कि तुम्हें वही ही चाहिए होता है, पूरा सर्वस्व एक तरफ और वो एक तरफ। सच्चे प्यार की बड़ी भारी पहचान है कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, हर हाल में तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए होता है। इसमें बेचैनी, हताशा, निराशा, उदासीनता और डिप्रेशन बढ़ता है। इन सब चीजों को आज समाप्त किया जाएगा। आज उन सारी की सारी व्यवस्थाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। हम आपको वो सारी की सारी व्यवस्थाओं से साझा कर व्यवस्थाओं का आपके साथ
संबंध बनाएंगे ताकि ये सबकी सब चीजें आपकी ठीक हो जाए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, जीवन में अगर प्यार है तो तुम खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, सुव्यवस्थित हो, उन्नति करने के लिए तुम बाध्य हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रृंगारित हो, तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं लगती। एक टाइम खाना कम हो चलेगा, लेकिन जीवन में प्यार कम हो तो नहीं चलता। झगड़ा फसाद विवाद सब कुछ हो, लेकिन प्यार हमारे सामने हो तो सब कुछ ठीक है। किससे बात करें, किससे साझा करें, किससे अपनी बात कहें, ये सिर्फ प्यार के साथ हो सकता है। दुनिया में सारे रिश्ते एक तरफ और प्यार एक बराबरी में खड़ा होता है। इवन अगर सही कहा जाए तो प्यार उससे ऊपर होता है। शास्त्र कहता है, विनोद कश्यम यद भाव मार्गी तदैव तद भाव श्यान कुमारी कृतम समर्पण यद भाव श्याम तदापि तबधम गुणयाश प्रेमम। प्रेम क्या अद्भुत भाव है। प्रेम प्रेम शाश्वत सत्य है, प्रेम भगवान है, ईश्वर है, आराधना है, सुव्यवस्था है। मैं रोज तो कहता हूं कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्यार है जीवन में तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। संपूर्णता का नाम ही तो प्यार है। आज मैं ये जो उपाय बता रहा हूं ये बेसिकली तांत्रिक लोग इस्तेमाल करते हैं। आपसे बहुत बड़ी संख्या में धन लेकर के भी आपका काम नहीं करते। अगर आप निराश हैं, हताश हैं, विवल हैं, परेशान हैं, तो ये नीचे नंबर है ना, एक बार सिर्फ तुम्हें कॉल करके अपना पूरा का पूरा जो सिचुएशन है अभी की वो जान लेनी है। गुरु आदेश के लिए ये नीचे दिया हुआ नंबर त्वरित काम करता है। नीचे दिए हुए नंबर पे तुम कॉल करके ये जरूर समझ सकते हो कि तुम्हें किस एपिसोड का उपाय करना है। एपिसोड अभी तक हमने 1000 के ऊपर बनाए हैं, 1000 प्लस एपिसोड बन चुके हैं हमारे यहाँ। इन 1000 प्लस एपिसोड्स में जो सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूं, बाकी तो लाखों बने हैं। यूट्यूब में 1000 से ज्यादा एपिसोड्स पड़े हैं। मैं कह रहा हूं आपके लिए कौन सा एपिसोड वाला उपाय करना है ये आप तब जान पाओगे जब नीचे हुए नंबर पर कॉल करोगे। कोई भी उपाय तुम्हारे लिए नहीं है। आज का जो उपाय है वो किन लोगों के लिए, वो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज का उपाय किन लोगों पे ज्यादा काम करेगा वो समझने की कोशिश करना, ताकि तुम उस उपाय को अच्छी तरीके से कर पाओ। आज का उपाय उन लोगों को ज्यादा काम करेगा जिनके जीवन से प्यार अचानक छूट गया है। आज उन लोगों को ज्यादा काम करेगा जिनको जिनकी अच्छी सब चीजें चल रही थी और अचानक पता नहीं क्यों छूट गया। पता नहीं क्यों, हमें आज ये सुई पता कराएगी, आज ये इंजेक्शन का काम करेगी तुम्हारे इस स्वास्थ्य में। अगर तुम्हें पता नहीं है रिलेशन टूटने का कारण नहीं मालूम है, अचानक सब कुछ छूट गया है, अचानक वो तुमसे बात करना बंद कर चुके हैं, अचानक ही सब चीजें बर्बाद हो गई और सब कुछ करने के बाद हाथ से सब कुछ छूट गया है। ये जो अचानक वाला शब्द है ना, इसको आज हम लोग चकाचौंध कर लेंगे, आज इसको पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। अचानक टूटा हुआ रिश्ता, अचानक खराब हुआ रिश्ता, अचानक रिश्ते में आई खटास, अचानक रिश्ते में झगड़े शुरू हो गए, अचानक कोई और प्रवेश कर गया, अचानक रातों रात कोई चीज परिवर्तित हो गई, तो बस आज का दिन आपका है। अचानक सब कुछ चीजें अस्त व्यस्त होने लग गई, अचानक किया कराया ऐसा लगने लगा कि मानो किसी ने मैजिक कर दिया हो, जादू कर दिया और सब बर्बाद होने लग गया, तो आज का दिन आपका है। सीधा उपाय एक और लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रंजना कुमारी है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। दूसरा शादी से मेरा एक लड़का है, आज लड़का वो 10 साल का हो गया है, लेकिन कोई वजह से मतलब छोड़ दिए। और मतलब ये तीसरा शादी है, लव मैरिज किए गुरु जी, जनवरी में किए थे, मार्च तक मतलब होली तक सब खत्म हो गया। गुरु जी हमको घर से निकाल दिया, वो उनका परिवार हमको नहीं चाहते हैं। तब आप पूजा कराएं गुरु जी, तो वो हमको अनब्लॉक कर दिए हैं और स्टेटस में कुछ कुछ मैसेज भी करते हैं। बहुत 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 थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। बस ऐसा ही कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी कि जल्द से जल्द वो हमको लेने के लिए आ जाए, मेरा घर बस जाए गुरु जी। आप मेरे लिए बाप माँ, मेरा भाई, मैं सब कुछ आप हैं गुरु जी। मेरा बाप माँ भी मेरे लिए थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। बस गुरु जी आपके सहारा है गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू। माता रानी को भी हम बहुत थैंक यू कहते हैं, माता रानी को हम बहुत मानते हैं।
बस गुरु जी बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको खूब खुश करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हारी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करे। तुम्हारे दिल में, जीवन में, लाइफ में खूब सारा प्यार भरे, हर इच्छाओं की पूर्ति हो। आपकी ऐसी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं। मैं कह रहा हूं कि उपाय करने के लिए श्रद्धा चाहिए। कोई भी उपाय काम नहीं करता। आपने देखा होगा पुराने संतों को, वो सबको आशीर्वाद देते थे, बोले जाओ राधे राधे को काम हो जाएगा, जाओ जय श्री कृष्ण बोलो काम हो जाएगा, जाओ राम राम जपो काम हो जाएगा, जाओ ओम नमः शिवाय का जाप करो काम हो जाएगा। संत जिसकी उपासना करता था उसी का नाम बोलने के लिए केवल कह देता था और लोगों के काम होने लगते थे। मंत्र एक काम अनेक। किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो भी यही मंत्र, किसी की पढ़ाई नहीं हो रही तो भी यही मंत्र, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो भी, और किसी का व्यापार नहीं चल रहा या नौकरी नहीं हो रही तो भी यही मंत्र। मंत्र एक है, काम अनेक है, तो होता कैसे था? एक ही दवाई हर बीमारी पे कैसे काम करती थी? तो भाई इसको समझना, उस संत की तपस्या काम करती थी, वो मंत्र काम नहीं करता था। क्या काम करता था? तुम समझने की कोशिश करना कि तुम जो YouTube के उपाय देखते हो लोगों के, क्यों काम नहीं आते? क्यों? क्योंकि वहां किसी संत की साधना नहीं है साथ, वहां किसी संत की तपस्या नहीं है साथ, इसलिए काम। हमारे यहां 95% लोगों के काम क्यों हो रहे हैं? हमारे यहां लगातार धन्यवाद साधुवाद क्यों चल रहा है? यहां क्यों लोगों के प्रणाम की झड़ी लगी हुई है? क्योंकि यहां यहां संतत्व है, यहां साधना का बल है, यहां तपस्या का बल है, यहां यहां बचपन से बहुत लंबे समय तक बिना अन्न जल के भी रहा गया है, बड़ी साधना है कि उन साधनाओं का सीधा फल तुम्हें दिया जाता है। यहां जब कोई गुरु आदेश करता है ना कि जाओ ये काम हो जाएगा, तो वो आदेश काम करता है, गुरु की वो वाणी काम करती है, ना कि वो केवल उपाय काम करता है। उपाय तो एक बल्ब है, उसमें कनेक्शन तो भाई पीछे लाइट से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से आ रहा है या बिजली घर से आ रहा है, तो वो कनेक्शन जब तक उस बल्ब में नहीं जलेगा, बल्ब कितने भी वाट का होने दो, उसमें रोशनी नहीं आएगी। रोशनी तब आएगी जब सही कनेक्शन जुड़ेगा। तो भाई गुरु का कनेक्शन चाहिए तुम्हें, आदेश सही चाहिए, सही कनेक्शन चाहिए, सही समर्पण चाहिए, तब काम होता है। विश्वास अतिशय हो, श्रद्धा कंप्लीट हो, केवल स्वार्थवश विश्वास और श्रद्धा ना हो, आपकी रियलिटी में उतनी ही श्रद्धा विश्वास हो। सत्य मानना, व्हाट्सएप ने हमें स्पेशली मेल किया कि आपकी इंडिविजुअल फोटो की प्रोफाइल अभी तक कई लाख मोबाइल में लगी हुई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अंदर से बहुत आशीर्वाद निकला कि हाँ मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरी हर तरह की बात सुनते हैं। मैं डांटू, मैं चिल्लाऊ, मैं चीखू, मैं उन्हें कुछ भी कहूं, वो इसलिए सुनते हैं कि उन्हें पता है कि मेरा पिता है, उन्हें पता है कि ये मेरा गुरु है, और ये वही कहेंगे जो मेरे लिए उचित होगा। डांट में भी आशीर्वाद है, तो बस वो आशीर्वाद लेने की कोशिश करना। इसी दिए हुए नंबर पर तुम अभी कॉल करके अपना एक बार नामांकन जरूर करा लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम सच्चे प्यार में हो, तुम्हारे लिए ये सबसे पहला आदेश है कि इस दिए हुए नंबर पर ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो एक बार कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन न करा ले। बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय को लेकर के चलता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि भाई सामग्री में तुम्हें क्या चाहिए? सामग्री में तुमको चाहिए कोई भी ऋतुफल, ऋतुफल मतलब जो भी अवेलेबिलिटी हो, जो सीजनल फल हो। सीजनल फ्रूट्स में कोई भी ले सकते हो, केला हो, अमरूद हो, सेब हो, संतरा हो, जो मिल जाए भाई, जो सस्ता सुंदर टिकाऊ हो वो लेके आ जाओ। अब क्या चाहिए? एक नई निडल सुई चाहिए। सुई का बेसिक आकार छोटी वाली उंगली से, छोटी वाली उंगली जल तत्व की भी है और छोटी वाली तुम्हारी जननेन्द्रिय के लिए भी है। इसलिए जननेन्द्रिय तुम्हें पता होगा, गूगल कर लेना पता चल जाएगा, गुप्तांग की बात कर रहा हूं, बता तो मैं खुद ही देता हूँ, गूगल करने के लिए तो क्या ही कहता हूँ, बच्चे होना इसलिए सिखाना तो सब कुछ पड़ेगा तुम्हें। छोटी वाली उंगली के साइज का कम से कम निडिल होना चाहिए। इस निडिल को आप कपूर जला करके थोड़ा सा हल्का गर्म कर लीजिएगा, हाथ जलने न पाए बहुत ध्यान से, और बस इतनी गर्म हो जाए कि जब आप फ्रूट्स के अंदर उसको चुभाएं तो की आवाज आनी चाहिए। गर्म होगा तो आएगी, वो बड़ी स्वाभाविक बात है, उसमें कुछ मैजिक नहीं है। जब आप डाल रहे हो ना, बस एक नंबर और एक शब्द बोल देना, रिम बोला, ला के नीचे र बनाना है, रिम ला होता है ना, ला के नीचे री बनाना है, रिम
हुं फट स्वाहा, ऐसा बोल के अंदर जाने दीजिए उसको, और इस फ्लूट को सुनसान जगह में जहां कोई ना हो, जहां आपकी आवाज थोड़ी गूंजे अगर तो भी अच्छा है, किसी जलाशय के पास, किसी जंगल में, किसी सुनसान जगह में अपने पार्टनर का खूब चीख कर नाम लेकर के फेंकना। जितना दूर जितनी ताकत से चीखोगे और जितनी ताकत से फेंकोगे, उतनी ही ताकत से खिंचाव बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, सम्मोहन बढ़ेगा। विश्व में इससे बड़ा तंत्र नहीं बना, विश्व में इससे बड़ा आकर्षण का मंत्र नहीं बना, विश्व में इससे ज्यादा बड़ा किसी भी सूरत में कोई वशीकरण नहीं बना, इससे बड़ा कोई उपाय आज तक बना ही नहीं है, करके देखो ना। हमारे एक कहावत है, अंधरा आंखिन द्याखे तब पतियाए, जब तुम देखोगे तो खुद ही मानोगे, जब तुम्हारे साथ परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा तो तुम खुद ही मान जाओगे। लेकिन उपाय करने के पहले तीन नियम सबसे पहले आवश्यक है, जो अभी के अभी इसी समय शुरू कर दो। अगर तुम्हारा आज पहला दिन है, अगर तुमने पहली बार मुझे देखा है, तो आज के आज ये काम जरूर शुरू कर देना। क्या करना है तुमको? सबसे पहले हर आधे घंटे में अलार्म लगा के मोबाइल में प्रणाम करके पानी पीना है। पानी देवता है ना, उसको प्रणाम करो फिर पियो, पहला काम। दूसरा, अपनी सौंदर्यता को जितना बूस्ट कर सकते हो उस पर काम करो। तुम इतने सुंदर और इतने फिट बन करके रहो कि तुम्हें सोते समय भी अगर कोई फोटो खींच ले तो वो फोटोजेनिक होनी चाहिए, दीवार में लगाने लायक। तीसरा काम, मुस्कुराओ। शुरुआत में जबरदस्ती करो, फिर अपने आप होने लग जाएगा। ये तीन नियम सर्वप्रथम आवश्यक है। अगर तुम मुझे देखते हो, जानते हो, समझते हो, खुश रहना, मुस्कुराना, ये उपाय किसी दिन किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए, निरंतरता चाहिए, श्रद्धा के साथ कनेक्शन कंप्लीट चाहिए। तो मुस्कुराओ हर आधे घंटे में, अलार्म लगा करके पानी पियो, मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, कभी मतलब कभी भी नहीं, किसी भी हालत में। पैसों का आदान प्रदान करना प्रेम में बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा करते ही तुरंत निश्चित हो जाता है कि तुम्हारा संबंध कभी नहीं ठीक होगा, पहले दिन से निश्चित हो जाता है। बहुत सारे गिफ्ट हैं जो नहीं देने चाहिए, मैंने पीछे के कई सारे एपिसोड्स में बताए हैं, उठाकर आप देख सकते हो। डेली रात्रि में सोते समय अपने आप को आशीर्वाद दिया करो, वो भी उपाय का वीडियो आपके पास पड़ा है, आप देख सकते हो, अंदर जाकर के चेक कर सकते हो। ये सब कुछ करो, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें कल तक के लिए, कल फिर 4 बजे हाजिर होंगे। तब तक के लिए छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।